ए बलम जी कमर में परेशानी बा। अरे अंगे अंगे टूटता कमरिया है राजा जी काहे नहीं देहिया दबावे लो। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है अमित स्टार गोरखपुरिया। इनका कई ऐसे गाने हैं जो मार्केट में खूब ज्यादा धमाल मचा रहा है। सबसे पहले कमर में परेशानी बा और नए गाने लेके आए हैं टूटता कमरिया। सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार प्रणाम आप सबका भाई, आप सबका दोस्त, मैं अमित स्टार गोरखपुरिया और मेहदी न्यूज़ से देखे वाला हर एक भाई के हमारे प्यार भरा नमस्कार बा। आपका जो नया गाना आया है वो कहाँ से आया है और किस चैनल पे है? जी मेरा एक सॉन्ग आया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है टूटा ता कमरिया, और ये संगीतार फिल्म्स के माध्यम से लॉन्च किया गया है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जितना मैं सोचा नहीं था उतना प्यार मिल रहा है अभी, तो मैं चाहूँगा आप सब देखिए संगीतार फिल्म्स पर और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी खूब एक गाना आपका तहलका मचा रहा है कमर में परेशानी भाई, समय शिल्पी राज जी के साथ खूब ज़्यादा धमाल मचा रहा है, हर ऑर्केस्ट्रा में हर रील्स पर भी खूब ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी इसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि आप सबका सब आशीर्वाद है और इसी तरह आशीर्वाद प्यार हर गाने को दीजिए। जैसे आप लोग कमर में परेशानी बा, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया, हर जगह बवाल मचा रहा है और आप सबको दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने इस गाने को प्यार आशीर्वाद दिया, इसी तरह आप लोगों ने टूटा था कमरिया को भी आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। और संगीतार फिल्म्स पर लॉन्च हुआ है, भाई को देखिए और सपोर्ट कीजिए और तहलका मचा दीजिए। सबसे पहले टूटा था कमरिया जो अभी रिसेंटली आया वो दो लाइन गुनगुनाइए, इसके बाद और कुछ आ जाएगा। टूटा था कमरिया है इसे पहले शिल्पी राज जी की आवाज़ में है। अरे अंगे अंगे टूटा था कमरिया ये राजा जी काहे नहीं देहिया दबावे लो। अरे पोरे पोरे टूटा था बदनिया ये राजा जी काहे नहीं देहिया दबावे लो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग और सुनने में मज़ा आता है, आप सुनेंगे आप लोग तो बहुत ही प्यारा। हमारा गाना लिखे हैं कृष्णा सनही जी और म्यूजिक दिए हैं इसका बहुत ही प्यारा रोशन उजाला जी, वीडियो डायरेक्टर हनी पांडे जी, और इसमें एक्ट्रेस काजल राज जी हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेस, आप सब कौन नहीं जानता उनको। अच्छा, कमर में परेशानी भाई ये भी दो लाइन गुनगुना दिए क्योंकि इस समय खूब ज़्यादा ये गाना हिट बज रहा है। जी जी, कमर में परेशानी है जैसे कि मेरा पहले आवाज़ है उसमें। अरे आवो हे रानी से जरिया हो सटी के सूत पजरिया हो। अरे छुए नहीं देलू जैसे लागे भइल हानी बा। ए बलम जी कमर में परेशानी बा, अभी कल हुए के दर्द के निशानी बा। अच्छा, ये गाना अभी खूब ज़्यादा धमाल मचा रहा है, कितना खुशी मिल रहा है? मुझे लगता है ये पहला आपका सुपर हिट गाना है। वैसे तो व्यूज़ तो बहुत सारे गाने को मेरा गया है, जैसे हुआ कि बाजा था पहलिया सनहिया, काठमांडू नेपाल शिमला, बहुत दूर दूर तक हम लोगों ने शूटिंग किया है। व्यूज़ तो 50 मिलियन 20 मिलियन बहुत सारा मिलियन गया है। अच्छा, लेकिन ये गाना जो कमर में परेशानी बा और टूटा था कमरिया जो गाना अभी ब्लास्ट कर रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है और मैं सोचा नहीं था कि इतना प्यार लोगों का मिलेगा, लेकिन है कि देर होता अंधेर नहीं, और मान गया मैं आप सब प्यार जो भी चाहेंगे, आप सब चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह भाई को प्यार से सपोर्ट करते रहिए ताकि आपका भाई भी एकदम गदगद रहे और आशीर्वाद प्यार बनाए रहिएगा। बिल्कुल, तो ये गाना पूरे ग्राउंड पे बज रहा है अमित स्टार भोजपुरिया का। एक और सवाल रहेगा, शिल्पी राज जी के जोड़ी आपका काफ़ी ज़्यादा फिट नज़र आ रहा है, जो भी गाने आ रहे हैं शिल्पी राज के साथ आ रहा है, आखिर क्यों? बात ऐसा कि देखिए लोग जिस तरह का पसंद कर रहे हैं अभी, क्या कि सच बताए तो सिंगल जो कि उतना हमारा मार्केट में उतना रिस्पॉन्स नहीं है जितना डुइट शिल्पी राज जी के साथ लोग पसंद करते हैं। जो भी गाना हमारा बहुत सारा गाना शिल्पी राज जी के साथ है और उस गाने को हम लोग को जोड़ी बहुत प्यारा होता है और आवाज़ जो भी है शिल्पी राज जी का तो पूछिए मत, और सबसे ज़्यादा सहयोग शिल्पी राज जी का है मेरा गाना जो बजता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिल्पी राज जी को कि लोग सुनते हैं पसंद करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी, और जो लोग सुनेंगे वही हम देना पसंद करेंगे और चाहेंगे। अच्छा, अभी आप उगते हुए सूरज है भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप कंटिन्यू आप गाना धीरे धीरे बज रहे हैं और अब लग रहा है कि आप भी एक भोजपुरी के हिट सिंगरों में आप शामिल हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पवन खेसारी का जो विवाद चलता है उसमें आप दब जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर आपको दबा दिया जाएगा, बहुत सारा चीज़ साजिश होता है, तो अभी आप उभर रहे हैं तो कुछ आपके माइंड में सोच में आ रहा है कि कहीं ये भी दिक्कत हो सकता है? बड़े सुपरस्टार है पवन खेसारी, उनसे भी दिक्कत हो सकता है। अब दिक्कत क्या है वो तो अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग तो उतने बड़े नहीं हैं, पवन खेसारी के लेवल के तो नहीं हैं, लेकिन अब
लोग जनता चाहेगी तो बना सकती है, जिसको चाहती चाहेगी बना देगी, जिसको चाहेगी बिगाड़ देगी। लेवल पे तो आ रहे हैं आप, 40 मिलियन 50 मिलियन के गाने में आपके क्लब में शामिल हो रहा है, तो आप लेवल पे तो आ ही रहे हैं। अब आ ही रहे हैं, अब लोगों का प्यार है, बस यही चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह प्यार से बात देते रहिए। लेकिन हमको किसी के लफड़ा में, किसी के विवाद में, किसी के फंसना नहीं है हमें, और जो जो करता है करते रहे, हमें जो करना है वो हम करेंगे। बाकी सब पब्लिक है, अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो हम और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर मार्केट में अच्छा से अच्छा गाने लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे, जो लोग कहेंगे वो हम करेंगे। बस एक जो होता है कि फुहर पातर, ये अशब्द अश्लीलता से दूर रहते हैं, हमारा कोई भी गाना सुनिए अश्लीलता से दूर है, परिवार में सुन सकते हैं, और यही हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा सॉन्ग जाए, अच्छा से अच्छा वीडियो जाए, जो कि सब लोग देख सके। बाकी ये सब विवाद हुआ तो चलता रहेगा, जो करता है करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप हीरो जैसे पूरा लुक उक रखे हुए हैं, खूब बाल उल बढ़ाए हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में फॉलो किसे कहते हैं? अगर आप हीरो बनेंगे, गाने आपका बज रहा है, तो आप किनको देख कर आप चाहते हैं कि भैया ये सिंगर है, उनको देख कर हम सीखते हैं, इनसे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, सीखने की अपेक्षा रखते हैं? सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा कि फैन तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, बचपन जब से गाना नहीं गाता तब से मैं फैन हूँ गोलू गोल्ड जी का। गोलू गोल्ड जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनको देखकर मैं बहुत सारे, शुरू में तो उनका ही गाना गाता था, जब भी प्रोग्राम वोग्राम होता था उन्हीं का गाना सारा आल टू आल गाता था। मुझे बहुत पसंद आता उनका आवाज़, उनका एक्टिंग, उनका पर्सनालिटी, एकदम पूरा लुक बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए, तो अंततः आप क्या कहेंगे, आपके जो नए गाने हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूँगा कि जो मैं, जैसे आप लोगों ने मेरे गाना जो कमर में परेशानी बा उसको आप लोगों ने इतना प्यार से बात दिया, आज 50 मिलियन क्रॉस होने वाला है, उसी तरह ये जो गाना मेरा आया है टूटा था कमरिया संगीता और फिल्म्स के माध्यम से, तो आप लोग जाइए और उसको ढेर सारा प्यार से बात दीजिए, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। मैं आप सबका भाई अमित स्टार गोरखपुरी, हमें कोलोब्रेशन कीजिए इंस्टाग्राम पर और ढेर सारा रील बनाइए, भाई को सपोर्ट कीजिए, और मेहंदी न्यूज़ को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है अमित स्टार भोजपुरिया, जो कि इस समय पूरे रील्स में ट्रेंड कर रहे हैं। इनका कई ऐसे गाने हैं और नए गाना जो आया है संगीता आर फिल्म्स पे, आप लोग जाकर सुनिए, और इनका गाना खूब ज़्यादा बज ही रहा है और ग्राउंड लेवल पर बज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।